में एक खबर सुनी होगी कि एक बच्ची के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पिता ने गोरखपुर कोर्ट में मार दिया, क्योंकि उस बच्ची के पिता को अपनी न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं था। बहुत सारे लोगों को ऐसे आशंकाएं हैं कि न्याय देर से मिलता है और सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलता ही नहीं। बहुत हद तक ये बात ठीक भी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी न्याय व्यवस्था गलत है। हमारी न्याय व्यवस्था पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः सक्षम है, लेकिन कई सरकारी अधिकारी, सरकारी वकील और न्यायाधीश, जिन्हें खुद को कई मामलों में लॉ पता नहीं है या फिर कई मामलों में लॉ का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस वजह से ये दिक्कत आती है। हम लोगों ने सामान्य व्यक्ति का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे और वे कानून हाथ में लेने के बजाय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर दोषियों को सजा दिलवाए, इस उद्देश्य से एक नई शॉर्ट फिल्म की सीरीज शुरू की है। इस माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई न्यायाधीश जानकार और ईमानदार हो तो वो किस तरह से लोगों को तुरंत न्याय दिलाता है और दोषियों पर कार्रवाई करता है। इस बात को आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतनी ही जागरूकता बढ़ेगी और अत्याचारियों का अत्याचार भी कम होगा, उनका मनोबल टूटेगा और इससे हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बेहतर बनेगी। आप सभी लोगों से ये विनती है कि इस सीरीज को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए। याद रखिए, अगर सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे भ्रष्ट और गुंडे पुलिस अधिकारी हैं, तो वहीं पर आपकी रक्षा के लिए जान देने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। अगर शमित मुखर्जी, सीएस कर्णन, निर्मल यादव, रोहिंटन नरीमन और दीपक गुप्ता जैसे भ्रष्ट और नाकाबिल जजेस हैं, तो वहीं पर कृष्णा अय्यर जैसे विद्वान और कर्तव्यनिष्ठ जजेस भी हैं। व्यवस्था को दोष देने के बजाय उसे सबके लिए उपयुक्त बनाने में मदद करें। धन्यवाद। समझे क्या हुआ? क्या मास्क नहीं पहना है? हाँ वो मैडम, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है ना, इसलिए। वो कुछ नहीं, जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना? लेकिन मैडम मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए ना, क्या है नया नया जॉब लगा है मुझे, लॉकडाउन में ना नौकरी भी चली गई, एक महीना भी नहीं हुआ अभी काम पे लगे हुए। बात आपकी सही है, लेकिन मैं भी मेरा काम ही कर रही हूँ, ठीक है? पैसे तो आपको भरने ही पड़ेंगे या फिर पुलिस देखेगी आगे का काम, और एक बार मैं आपको पुलिस के पास ले चलूँ तो फिर। मैडम प्लीज, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है, चाहिए तो आप चेक कर लीजिए ना। हमारे पास दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें पता भी है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ना कोरोना फैल रहा है। एक काम करो, पैसे तो भरने ही पड़ेंगे या फिर मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैडम प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे जाने दीजिए ना, मुझे बहुत देर हो रही है मैम। अच्छा, देर हो रही है, ठीक है। ओ साहब। नहीं मैडम, मैडम सुनो ना। साहब आप देख लो, अभी मैं जा रही हूँ। साहब जाने दो ना साहब, साहब ऑफिस से फोन पे फोन आ रहे हैं साहब, एक बार गलती हो गई ना छोड़ दो ना साहब, साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, साहब प्लीज जाने दो ना। ये गायरे तुझे मत मत, चुप रहने का, एकदम चुप रहने का है? और ऑफिस से फोन आ रहा है ना तो उनको बोलने का, आके पैसा भरो। नौ क्या लगता है? वो नया नया जॉब है ना साहब, प्लीज तो पहनने का ना मास्क। अब वो सांस लेने में तकलीफ होती है इसलिए नहीं पहना। सरकार पागल है ना, नियम बनाया। साहब टीवी पे देख लो, अपना प्राइम मिनिस्टर हो गया, पॉलिटिशियन हो गए, कोई मास्क नहीं पहनता, उनकी तो रैलियां भी चल रही है, तो कॉमन मैन को क्यों तकलीफ दे रहे हो? ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, जुर्माना भरना है या नहीं? साहब सच में मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं दे देता। आप चाहे तो चेक करो ना बटवा। ए बाबा ये क्या कर रहे है, ऐसा कॉमन पब्लिक का बटवा चेक करने का राइट नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या कॉमन पब्लिक को हरास करने का राइट है इनके पास? किस अधिकार से इन्हें रोका गया, किस अधिकार से गलत चार्ज लगाया गया? ऑब्जेक्शन जज साहब।
कोई गलत चाल नहीं है। इन जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से बाकी सब लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। इनको इनके जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। आज इस देश में जो मुसीबत की घड़ी आई है, इतने लोगों की जानें चली गई है, लेकिन इन सबसे इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस भयंकर बीमारी को कैसे रोका जाए, लेकिन इन लोगों को इस बात की गंभीरता से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि इन्हें इनकी गुनाह की लायक सजा दी जाए। कौन सा गुनाह मिलॉर्ड? सरकारी वकील साहब ने इधर उधर की बातें कर ली, सभी झूठी बातें कही, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये जिस गुनाह की बात कर रहे हैं वो तो कोर्ट को बताए। जाहिर सी बात है सर, इन्हें सेक्शन 269 के अंडर इन्फेक्शन फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट के डीके बासु की गाइडलाइन के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कारण बताने होते हैं, वो भी लिखित रूप में, और उस जगह के दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेने होते हैं। ऐसा कोई पंचनामा हुआ ही नहीं। पुलिस के पास इन्फेक्शन फैलाने का कोई सबूत ही नहीं है माइनॉर, और ऐसे में पुलिस अधिकारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आईपीसी 220, 341 और 342 के तहत सजा के हकदार है। सर, पर मास्क नहीं लगाओगे तो इन्फेक्शन फैलेगा ही ना? ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि मास्क की वजह से वायरस रुकता है। सरकार के आईसीएमआर विभाग ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिखित में दिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि मास्क लगाने के वजह से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो मिलॉर्ड, लोगों से जो पैसे लिए जा रहे हैं फाइन के नाम पर, जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, डरा कर, धमका कर, मैं कहूंगा ये एक तरीके का एक्सटॉर्शन है। इन्फेक्शन तो मास्क पहनने वाला या फिर वैक्सीन लेने वाला भी फैला रहा है, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता मिलॉर्ड। और इन्हें यहां पर जो पकड़ के लेके आए हैं, इस बात का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मिलॉर्ड, मास्क की जो साइज होती है वो माइक्रोमीटर में होती है और वायरस का नैनोमीटर में। इसका ये मतलब है कि मास्क के एक छेद में से सैकड़ों वायरस अंदर जा सकते हैं। तो फिर मास्क किस लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि उनके पास ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि मास्क लगाने से वायरस रुकता है। आगे ये लिखा है कि हेल्दी पीपल शुड नॉट वियर द मास्क। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हेल्दी है। वियरिंग मास्क इज नॉट मैंडेटरी। विलॉर्ड, वैज्ञानिकों ने 32 स्टडीज की है, 32, जिसके हिसाब से मास्क का अपने शरीर पर बहुत ही हानिकारक साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि लंग्स डैमेज होगा, आपके शरीर का ऑक्सीजन जाएगा। अब ऑक्सीजन जाएगा मतलब जब आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो ये पाएंगे कि ऑक्सीजन कम है शरीर में। अगर ऑक्सीजन कम है शरीर में, इसका मतलब कोविड पॉजिटिव, मतलब कोविड से लड़ने की ताकत ही आप खो देंगे। ये एक षड्यंत्र है वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर मास्क मैंडेटरी नहीं है तो फाइन किस बात का लिया जा रहा है मिलॉर्ड? ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जब ऐसा कोई रूल बनाया जाता है तो सेक्शन 78 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि इनको पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करके फिर उसका लॉ बना के लेना है, और लॉ बनाने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मास्क की वजह से वायरस रुकता है, या फिर मास्क का फायदा है, या फिर उसके जानलेवा दुष्परिणाम नहीं है। मिलॉर्ड, आईपीसी 188 में से एफआईआर रजिस्ट्रेशन का पुलिस को कोई अधिकार ही नहीं है, और ये मेरा कहना नहीं है, ये मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है, HLS शवे वर्सेस स्टेट 2020 SCC ऑनलाइन बॉम्ब 959। और बिना आधार के अंडर 269 लोगों को इन्फेक्शन फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, ये ज्यादती अनलॉड, ये पद का दुरुपयोग है, ये बेलेबल सेक्शन है, पुलिस अरेस्ट कर नहीं सकती, लेकिन किया है। तो जज साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि इनका कोई जुर्म ही नहीं है तो इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए, और आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ आईपीसी 341 के तहत गलत तरीके से रोकने के लिए, आईपीसी 220 बिना मतलब रोक के रखने के लिए, और आईपीसी 221 फॉल्स चार्ज, गलत इल्जाम लगाने के जुर्म में कांस्टेबल साहब को 7 साल की सजा दी जाए, और सीआरपीसी के सेक्शन 357(3), 250, 342 के तहत
मेरे क्लाइंट को कॉम्पेंसेशन के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाए। थैंक यू जज साहब। बताइए आपके पास क्या सबूत है कि इसने इन्फेक्शन फैलाया? मास्क नहीं पहना मतलब इन्फेक्शन फैलाना नहीं होता। कितने दिनों से आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो? लीगल सबूत चाहिए, लीगल। आपने क्यों इसे पकड़ा? वो सर सीनियर के आदेश थे सर। सीनियर आपको कुएं में कूदने को कहेगा तो आप कूद जाओगे? आपको पता नहीं है कि आपको कोई भी आदेश दे पर आपको केवल कानून के हिसाब से ही करना है। आप सुप्रीम कोर्ट का नंदिनी सतपति और एमपी द्विवेदी का आदेश पढ़िए। ये फाइन किस नियम के तहत लिया जा रहा था? सर वो बीएमसी का नियम है सर। बीएमसी के कमिश्नर का? बीएमसी के कमिश्नर के राष्ट्रपति हो गए? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में किसी भी तरह का फाइन लेने का कोई प्रोविजन नहीं है, और जब तक पार्लियामेंट में नया कानून बनाया है नहीं तब तक आप कुछ भी फाइन लेते हो तो गैर कानूनी माना जाता है, ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन माना जाएगा। तो मैं मार्शल के खिलाफ एक्सटॉर्शन का सेक्शन 385 और अन्य धाराओं के तहत प्रोसिक्यूशन में ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पुलिस की धमकी देकर पैसा वसूल करना चाहा। सरकारी वकील साहब, आप आपका कर्तव्य भूल गए हो। आप सरकारी वकील हो, आप पहले ऑफिस ऑफ कोर्ट हो, आप पुलिस के माउथपीस नहीं हो। आप पोस्टमैन की तरह काम नहीं कर सकते हो, जो पुलिस ने बोला और आपने कोर्ट को बोल दिया। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पकड़ा गया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोर्ट को बताए कि इस व्यक्ति पर अन्याय हुआ है। उसको वकील लगाने की जरूरत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का शिव कुमार का आदेश पढ़िए तो आपने भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। क्या आपको ये पता है कि इन्वेस्टिगेशन करते समय दोनों बाजू का पक्ष लिया जाता है? तो जब ये व्यक्ति मास्क क्यों नहीं लगा रहा है, इसके बारे में आपने जो कारण दिए हैं और इन्होंने जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स और केंद्र सरकार के आरटीआई दिए हैं, उसका आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? आप जरा सुप्रीम कोर्ट का बाबू भाई का आदेश पढ़िए, आप जुगल किशोर का आदेश पढ़िए, ऐसे और कई जजमेंट है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपने पक्षपात पूर्वक किया है, इसलिए आप कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के भी आरोपी हो। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को गैर कानूनी काम करने से रोक रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में क्लियर लिखा है, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश की संपत्ति का रक्षण करे, उनके सभी भाई बहनों की जान माल का रक्षण करे, तो वो व्यक्ति संविधानिक कर्तव्य निभा रहा है। अगर पुलिस उसके ऊपर झूठा चार्ज लगाए तो वो नहीं बल्कि पुलिस गैरकानूनी काम कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय का अनिरुद्ध बहल और सुप्रीम कोर्ट का इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का जजमेंट पढ़ लीजिए। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ अगर पुलिस केस करेगी तो पुलिस के ऊपर ही एक्शन होगा और आपको उन्हें कॉम्पेंसेशन ही देना पड़ेगा। सभी बातों को और सबूतों को ध्यान से समझने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर नितिन को गलत तरीके से पकड़ा गया, उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक मानसिक शारीरिक पीड़ा हुई है। ये अदालत नितिन को बाइज्जत बरी करती है और आरोपी पुलिसकर्मी तथा महापालिका के मार्शल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश देती है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और CRPC 342-250 के तहत यह आदेश देती है कि दोषी पुलिस और महापालिका के मार्शल को दोनों मिलाकर पीड़ित नितिन को 2 लाख रुपए नुकसान भरपाई के तौर पर दे। सरकारी वकील इनको भी इस मामले में सेक्शन 120B 34, 52 IPC के तहत आरोपी बनाया जाए और बार काउंसिल को ये निर्देश दिया जाता है कि वो इनकी सनद रद्द की कानूनी कार्रवाई शुरू करे। आरोपी पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते समय पक्षपातपूर्ण एक तरफा इन्वेस्टिगेशन किया है और ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का अवमान है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपना रेफरेंस फॉरवर्ड करती है। ये होता है ईमानदार और जानकार जज होने का असर, जिन्होंने परिस्थिति की सच्चाई को पूरी तरीके से समझा और फिर जो गलत है, फिर चाहे वो न्याय व्यवस्था से जुड़े हो या फिर सरकार से जुड़े हो, जैसे कि सरकारी वकील, पुलिस कांस्टेबल, महापालिका के मार्शल, किसी को भी बख्शा नहीं गया। ये होती है न्याय व्यवस्था की ताकत, कानून की ताकत। कानून से डरे नहीं बल्कि कानून को समझे, कानून से जुड़े, हमसे जुड़े। आपकी जो भावनाएं हो, आपका जो कहना हो, वो आप कमेंट बॉक्स में
जरूर दर्ज की।